सो गाइस, डेल के काफ़ी सारे लैपटॉप्स आ ही रहे हैं। तो लास्ट वीडियो मैंने बात की थी डेल के 2-in-1 लैपटॉप की, जो कि i3 वेरिएंट था, और आज मैं आपके लिए एक और डेल का वही लैपटॉप लेके आ गया हूँ, 2-in-1 5410। लेकिन ये वाला वेरिएंट है i5 11 जनरेशन के साथ में। i3 लैपटॉप में आप सारी प्रोडक्टिविटी बेसिक टास्क कर सकते हो, बट आपको अगर रेंडरिंग, कोडिंग और एडिटिंग करनी है तो आपको i5 वेरिएंट लेना पड़ेगा। तो इस लैपटॉप में आपको i5 11 जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है और साथ में मिलता है Iris Xe ग्राफिक्स का सपोर्ट। तो देखते हैं न्यू लैपटॉप कैसा परफॉर्म करता है, इसमें गेम प्ले करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम परफॉर्मेंस तो गेम प्ले से ही टेस्ट हो सकती है। अगर गेम प्ले आपको अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाता है तो लैपटॉप अदर टास्क इजीली कर सकता है। तो अगर आप अपने वर्क के लिए 2-in-1 लैपटॉप परचेज करने की सोच रहे हो और आपको ड्यूरेबिलिटी और लॉन्ग लाइफ भी चाहिए तो आप डेल के लैपटॉप परचेज कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा ये वाला मॉडल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा नहीं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, देखते हैं लैपटॉप वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करवाता है या नहीं और सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। सो हेलो गाइस, वेलकम टू शूटिंग स्मार्ट 2.0। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले इस लैपटॉप के भी बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे मिलता है लेटेस्ट इंटेल का i5 11 जनरेशन 1155G7 प्रोसेसर, जिसकी बेस फ्रीक्वेंसी 2.5 GHz है और 4-core 8-thread के साथ ये प्रोसेसर आता है और 8 MB की कैश मेमोरी मिलेगी। मेमोरी की बात करें तो 8 GB की DDR4 डुअल चैनल 3200 MHz क्लॉक पर बेस्ड है और ये भी हाइनिक्स कंपनी की मिलेगी। डेल के मैक्सिमम नए लैपटॉप्स में हाइनिक्स कंपनी की रैम और हार्ड ड्राइव मिल रही है। तो यहाँ पे स्टोरेज ऑप्शंस की बात करें तो SK हाइनिक्स की 512 GB की NVMe M.2 SSD मिल रही है और वही इंटेल का लेटेस्ट वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट मिल रहा है कनेक्टिविटी के लिए। साथ में मिलता है इंटेल का ही लेटेस्ट Iris Xe ग्राफिक्स, तो GPU परफॉर्मेंस HD ग्राफिक्स से काफ़ी बेटर होने वाली है, सॉरी Ultra HD ग्राफिक्स से, जिसमें 4 GB की शेयर्ड मेमोरी मिलती है। तो i5 लैपटॉप हो तो इसमें गेम प्ले करके इसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं। सो सबसे पहले खेलते हैं GTA 5। तो गेम स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मैं आपको इसकी सेटिंग्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहले हम HD रेजोल्यूशन पे गेम प्ले करेंगे और VSync ऑन किया है और एडवांस ग्राफिक्स सेटिंग्स मैंने ऑफ कर रखी है। और अपर लेफ्ट कॉर्नर में आप सारी स्टैटिक्स देख ही सकते हैं, CPU, RAM, GPU और फ्रेम रेट। आपको कंटिन्यूसली 60 FPS और 30 FPS फ्रेम रेट मिल सकती है, तो वो गेम के हिसाब से ही मिलेगी। Slick wheel work!
You're developing quite the rep there, Slick. Insurance companies hate these kinds of claims. सो एस GTA 5 में इस लैपटॉप में 60 FPS की फ्रेम रेट मिल जाएगी। कंटिन्यूस तो नहीं मिलेगी बट जहाँ तक मैंने प्ले किया है 50 FPS की फ्रेम रेट आपको इजीली मिल जाएगी HD रेजोल्यूशन पे, तो आप अच्छे से इसमें गेम प्ले कर पाओगे। तो नेक्स्ट इसमें प्ले करते हैं नीड फॉर स्पीड अंडरकवर, जो कि एक रेसिंग गेम है। NFS को तो आप जानते होंगे। तो NFS में कंटिन्यूसली 60 FPS की फ्रेम रेट मिल रही है और काफ़ी स्मूथ गेम प्ले हो रहा है HD रेजोल्यूशन पे। और अब एक TPP एक्शन गेम भी प्ले करके देख लेते हैं स्पेक्स ऑफ द लाइन। My name is Captain Martin Walker. We're looking for survivors. What? So you can kill us too? Farsi the chief. I got minimum rights. You speak Farsi? Maybe we can understand each other better. I got in Torim half bezanim. Call Lugo is to go south. Oh, call ten nisti. Sarbozo Amerikoyi asti. Did you ask him to come back and do for us? Hey, I'm not sure. Karab guzim. Push comes to shove, shoot out. Look at these guys. They're refugees, survivors of the storm. That's good, right? This is radio command. सो इस एक्शन गेम में भी फ्रेम रेट 60 FPS की वही मिल रही है स्मूथ बिल्कुल, और HD रेजोल्यूशन पे गेम प्ले हो रहा है। हालांकि फुल स्क्रीन पे नहीं हो रहा गेम प्ले, कुछ इश्यूज हैं बट सेटिंग्स को चेंज करके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट ओवरऑल गेम प्ले काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छी ग्राफिक्स क्वालिटी में हो रहा है। सो इस लैपटॉप की गेमिंग परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी मिल रही है, i5 और iris के साथ में काफ़ी बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो अब बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के बेंचमार्क स्कोर्स की। तो यहाँ Geekbench 5 ने इसको दिया है सिंगल कोर के लिए 1281 और मल्टी कोर के लिए मिलता है 4069। तो इंटेल के प्रोसेसर सिंगल कोर के लिए बेटर परफॉर्म करते हैं और यहाँ पे इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 4.5 GHz। तो यह वाला प्रोसेसर इंटेल के प्रीवियस i5 प्रोसेसर से बेटर परफॉर्म कर रहा है। GPU स्कोर्स की बात करें तो OpenCL API पे मिलता है 13,237, जो कि काफ़ी शानदार है। iris की इंटीग्रेटेड परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी मिल रही है। iris XC ग्राफिक्स की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 1.35 GHz, जो यहाँ पे 4GB इंटीग्रेटेड शेयर मेमोरी के साथ आते हैं और यहाँ पे 80 कंप्यूट यूनिट्स मिलेंगे। और इसके साथ ही वल्कन API पे मिलता है 13,213, तो ये भी काफ़ी अच्छा स्कोर है। और मुझे iris की ग्राफिकल परफॉर्मेंस तो इस लैपटॉप में काफ़ी शानदार मिल रही है। प्रोडक्टिविटी, रेंडरिंग और 3D डिज़ाइनिंग के अलावा गेमिंग की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी मिल रही है।
सो गाइस ये था डेल इंस्पिरॉन 54102 इन वन लैपटॉप और i5 वेरिएंट की हमने टेस्ट की। तो आपने वीडियो में देखा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिल रही है, ग्राफिकल परफॉर्मेंस तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। आयरिस की परफॉर्मेंस इससे बेटर मुझे पहले कभी भी नहीं मिली, काफ़ी सारे लैपटॉप्स मैंने पहले भी टेस्ट किए आयरिस ग्राफिक्स के साथ में, बट ये परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी और न्यू लैपटॉप्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट किया गया है। हालांकि ये विंडोज 11 के साथ अभी नहीं आ रहा, बट आपको विंडोज 10 से अपग्रेड मिल जाएगी। और GTA 5 गेम प्ले किया मैंने इस लैपटॉप में तो 60 FPS की फ्रेम रेट मिली HD रेजोल्यूशन पे। तो नॉर्मल अगर गेम प्ले इसमें स्मूथली हो रहा है तो आप इसमें अपने सारी अदर कोडिंग और एडिटिंग के टास्क कर सकते हो, 3D रेंडरिंग भी आप इसमें आसानी से कर सकते हो, ऑटो कैड वाले सॉफ्टवेयर भी चल जाएंगे। और इसके साथ ही मुझे सबसे अच्छी बात लगेगा आपको इस लैपटॉप के साथ ही में डेल का एक्टिव पेन मिल जाता है, आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि मैंने HP के पवेलियन कन्वर्टेबल लैपटॉप्स में देखा था तो आपको पेन साथ में नहीं मिलता, आपको अलग से परचेज करना पड़ता है, बट डेल में आपको i3 और i5 दोनों वेरियंट के साथ में भी एक्टिव पेन साथ ही में मिलेगा, आपको अलग से नहीं परचेज करना पड़ेगा। और अगर कमी की बात करो तो इस लैपटॉप में मेरे को बस एक ही कमी लगी, इसमें ब्राइटनेस और डिस्प्ले की क्वालिटी थोड़ी कम लगी। ब्राइटनेस 220 निट्स की दी गई है, तो आप आउटडोर में अगर अपना कोई भी प्रोडक्टिविटी या कोई भी टास्क करते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इंडोर्स में सफिशियंट रह जाती है ब्राइटनेस, बट अगर 250 निट्स तो मिनिमम होनी चाहिए थी और 300 निट्स भी हो सकती थी। और बेंचमार्क स्कोर्स भी काफी ज्यादा अच्छे मिले, प्रीवियस i5 11 जनरेशन प्रोसेसर से बेटर परफॉर्म कर रहा है वाला प्रोसेसर, और ग्राफिक्स क्वालिटी तो बताई थी मैंने काफी शानदार मिल रही है। साथ ही में आपको बैकलिट कीबोर्ड का सपोर्ट मिलता है और ऑडियो क्वालिटी काफी ज्यादा शानदार है, वॉल्यूम भी काफी बढ़ा दी गई है लैपटॉप में, और साथ में सिक्योरिटी के लिए वेबकैम और फिंगरप्रिंट का वही ऑप्शन मिल जाता है। और अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो 3 to 4 hours का ही बैटरी बैकअप मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक टच स्क्रीन है तो बैटरी कंज्यूम करता है, बट आप बैटरी से और मोड पे भी अपने टास्क इजीली कर सकते हो। और फाइनली मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो ये वाला लैपटॉप वैल्यू फॉर मनी है। और अगर रिकमेंडेशन की बात करूं तो अगर आप कंफ्यूज है कि HP पवेलियन X360 और डेल 2-in-1 लैपटॉप्स में से कौन सा लैपटॉप परचेज करें तो मैं आपको बताऊंगा, आपको बेटर परफॉर्मेंस और लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी चाहिए तो आप डेल के लिए जा सकते हैं, और अगर आपको बेटर डिस्प्ले क्वालिटी और गुड लुकिंग चाहिए तो आप HP X360 परचेज कर सकते हैं। मुझे पर्सनली HP पवेलियन कन्वर्टेबल लैपटॉप्स की डिज़ाइनिंग और डिस्प्ले क्वालिटी ऑब्वियसली बेटर है, क्योंकि उसमें IPS पैनल दिया हुआ है, इसमें आपको WEA पैनल मिलता है तो कलर एक्यूरेसी थोड़ी कम मिलेगी। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आई होप यू लाइक द वीडियो, और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग और न्यू लैपटॉप्स या और अदर डिवाइस के साथ में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।